नवीनीकरण ऊर्जा के निर्माण के लिए नागपुर में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाने वाला है। इस परियोजना के लिए मुंबई में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य सरकार के उद्योग विभाग और रिवेन्यू पावर कंपनी के बीच करार हुआ, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए आज नागपुर एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि ये बड़ी ही खुशी की बात है कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने नागपुर में निवेश करने का निर्णय लिया है। मला अतिशय आनंद आहे की रिन्यू एनर्जी सारखी कंपनी जी नॅसडॅकला लिस्टेड आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत मोठी कंपनी आहे, त्यांनी नागपूरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी एंड टू एंड पूर्ण सोलर पॅनल्स तयार करण्याचा निर्णय त्यांचा आहे। यातनं साधारण 8-9 हजार लोकांना थेट एम्प्लॉयमेंट तर मिळेल, पण त्यापेक्षा दुप्पट लोकांना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखील मिळेल। आणि त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी सांगितलं की त्यांच्यासोबत त्यांचे वेंडर्स देखील येणार आहेत, त्यातनं ॲडिशनल एक एम्प्लॉयमेंट आपल्याला मिळणार आहे। तर मला असं वाटतं की नागपूरकरता ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। आता आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर ही इन्व्हेस्टमेंट यावी।